हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन हेल्थ ब्यूटी एंड यू। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, लड़कियां खुद को कैसे ध्यान रखती है, पार्लर में जाती है, अपनी स्किन को मेंटेन रखती है, वैसे लड़की को भी ऐसे करना चाहिए। आपकी स्किन पे ध्यान देना चाहिए, वरना क्या होता है, आपकी स्किन डल होने लगती है और बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मेरे वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे टिप्स जो डेफिनेटली अपनाएं, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा और आप ज्यादा हैंडसम लगने लगेंगे। तो डेफिनेटली मेरा वीडियो पूरा देखिए और नए सब्सक्राइबर क्या कर रहे, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि ऐसे मेरे अच्छे वीडियो कभी भी आप मिस ना करें। पहले तो हमें स्किन टाइप को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी स्किन का टाइप क्या है। पहले तो वो सेंसिटिव स्किन है, नाम से ही पता चलता है, बहुत सेंसिटिव जिनकी स्किन रहती है, कुछ भी करने से आपको पिंपल्स या रैशेस आ सकते हैं। सेकेंड है नॉर्मल स्किन। थर्ड है जो ड्राई स्किन हो जाती है, जिनको जो बहुत ही पैची स्किन हो जाती है। फोर्थ है ऑयली स्किन, जिनमें बार बार चेहरे पे ऑयल निकलते रहता है। और फिफ्थ है कॉम्बिनेशन वाली स्किन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे चेहरे के पार्ट है, जैसे नोज ले लो वहाँ पे ऑयल है, या फिर गाल ले लो वहाँ पे ड्राई हो जाता है, मीन्स कॉम्बिनेशन में होता रहता है। तो आपको आपकी स्किन का टाइप जानना बहुत ही जरूरी है। आप देखिए आपकी स्किन का टाइप क्या है, अकॉर्डिंगली आपको आपके प्रोडक्ट ऐसे यूज करने हैं जिससे आपको हानि ना हो और आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, अगर अब तक आप आपके नहाने के साबुन से आपका चेहरा धो रहे थे ना, तो अब से वो छोड़ दें, क्योंकि वो ही आप बड़ी मिस्टेक कर रहे थे। ये सब जो साबुन रहते हैं हमारे चेहरे की स्किन के लिए बहुत ही हार्श होते हैं, हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। जो मार्केट में माइल्ड मेन के लिए जो फेस वॉश आते हैं ना, उसको आपको इस्तेमाल में लेना चाहिए। और साथ ही आपको आपकी स्किन के लिए बहुत ही ध्यान देना चाहिए। जब भी आप बाहर से आते हैं तो बहुत बार आप पानी से ही सिर्फ चेहरे को साफ कर लेते होंगे, तो ऐसा नहीं करिए। खासकर वो फेस वॉश से आप धोइए, ताकि क्या होता है, जब भी पॉल्यूशन से हम बाहर आते हैं, डस्ट हमारे चेहरे पे लगा हुआ होता है। अगर सिर्फ आप पानी से धोएंगे तो फिर आपको ब्लैक एज, व्हाइट एज, पिंपल जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस सबको अवॉइड करने के लिए आपके चेहरे की सफाई बहुत जरूरी है, उस पर खास ध्यान दें और माइल्ड फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नेविया मैन ऑयल कंट्रोल है, अगर जिनको बहुत ही ऑयली स्किन है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गार्नियर मैन व्हाइट डबल एक्शन है, जो अगर ब्राइटनेस आपका कॉम्प्लेक्शन आपको चेंज करना है, थोड़ा ब्राइट करवाना है, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गार्नियर एक्नो फाइट फेस वॉश है, तो अगर आपको पिम्पल्स आ रहे हैं तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट अच्छा है और आपको ज्यादा अच्छा दिखना है, तो आप लॉरियल का भी फेस वॉश आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजर। ओके, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये गर्ल्स की मॉइस्चराइजर की बात नहीं कर रही, जेंट्स के लिए भी मॉइस्चराइजर रहता है, क्योंकि स्किन किसी की भी हो, लड़के की हो कि लड़की की हो, मॉइस्चराइजर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को स्मूथ रखता है। मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइजर आते हैं, जो आप गूगल करके देख सकते हैं, वो आप मंगा ले। मॉइस्चराइजर के लगाने के फायदे क्या है, जो आपको अर्ली एज में रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस बन जाती है, वो नहीं बनेगी। तो आप गूगल करिए और मेंस फॉर मॉइस्चराइजर डाले और जो आपके बजट हिसाब से डाल के आप मंगवा सकते हैं, पर जरूर मंगवाए और लगाना आपसे स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सनस्क्रीन। हाँ, ये प्रोडक्ट भी सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, मार्केट में जेंट्स के लिए भी आते हैं, उसका भी उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो बोलूँ लेडीज की कम्पेरेटिवली सनस्क्रीन को तो जेंट्स को ज्यादा लगाना चाहिए, उसका मैं रीजन बताती हूँ। लड़की लोग तो ज्यादा बाहर जाते हैं, उनको ज्यादा आउटडोर फील्ड वर्क रहता है, वो तो ज्यादा के सन के एक्सपोजर में आते हैं, जो सन के जो हार्मफुल यूवी रेज निकलते हैं ना, वो आपको ज्यादा मिलते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है और आपकी स्किन को वो काला भी करता है। आपने देखा होगा कि आपके हाथ या फिर आपके चेहरे इतना पार्ट आपका ज्यादा काला है, क्यों है, क्योंकि आपने अब तक सनस्क्रीन कभी लगाया नहीं है। और दूसरा भी फायदा है सनस्क्रीन लगाने का, बहुत रेयरेस्ट केस है, पर ये है कि अगर आपने सनस्क्रीन लगाई है, जो यूवी रेज आती है, तो कहीं हद तक जो स्किन कैंसर जैसी बीमारी रहती है ना, उससे भी आप बच सकते हैं। जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं जेंट सब्सक्राइबर, आप अगर बाहर जा रहे हैं, बार बार आपके ऐसा काम है कि आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आपसे समैन का जो सनस्क्रीन मिलता है मार्केट में, वो ले, पर लगाए जरूर और इतना ध्यान दे, जितना SPF वो रहता है वो ज्यादा होगा, उतना ही वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो आप चेक करें SPF 50 या उससे ज्यादा वाले ले, जिससे आपको ज्यादा फायदा मिले।
नेक्स्ट है कि जब आप शेविंग करते हैं तो बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं। जो आप 5 से 6 ब्लेड वाले रेजर इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही गलत है। ये आपकी स्किन को ज्यादा हानि देता है क्योंकि इससे आपको कट लगने के ज्यादा चांसेस है, फिर इससे स्किन रैशेज हो जाते हैं, पिंपल्स निकलते हैं। उससे अलावा भले टाइम लगता है पर आप 2 से 3 ब्लेड का रेजर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन को ज्यादा हानि ना हो, क्योंकि हमारा चेहरा ही मेन है, राइट। अब आप आफ्टर शेव का भी जरूरी इस्तेमाल करें और देखिए कि वो अल्कोहल बेस्ड ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और मार्केट में ऐसे भी आफ्टर शेव है जो 2-in-1 है, जैसे कि आफ्टर शेव प्लस मॉइस्चराइजर, तो ऐसा भी आप ले सकते हैं। पर हाँ, प्लीज आप ऐसे शेव करने के टाइम खास ध्यान रखिए कि आपके चेहरे को आप ज्यादा हानि ना पहुंचाए। ओके फ्रेंड्स, लास्टली आपका स्किन का भी आप रेगुलर चेकअप करें, चेक करें कि आपके चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे, कहाँ पे इसका चेंज तो नहीं हो रहा है कलर, उसके अलावा कुछ भी नया मस्का या मोल दिख रहा है, तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेडीज कैसे अपने को ध्यान रखती है, वैसे भी आपको आपका ध्यान रखना है, आपको आपकी स्किन का, हाथों का, चेहरे की स्किन का, सबका ध्यान देंगे तो आप हमेशा यंग और हैंडसम रहेंगे। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर कर दीजिए सबके साथ, और नए है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो उस पर भी मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।